नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आज अपने कार्यालय पर मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया। जी हां, और स्क्रीन पर कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को भी सुना। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री पिछले 100 महीनों से मन की बात का कार्यक्रम लगातार चलाता आ रहा है, जिसमें उन्होंने छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर समाज के हर पहलू पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, जिसका जनता को सीधा फायदा पहुंचा है। इस मौके पर जब पत्रकारों ने पिछले चुनाव में उनके टिकट कटवाने और काटे जाने को लेकर सवाल पूछा, तो पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि बीजेपी में पार्टी और संगठन जिम्मेदारी देती है, और रही बात टिकट कटवाने की, तो फरीदाबाद के किसी नेता का इतना बड़ा कद नहीं है कि टिकट कटवा सके या दिलवा सके। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी और संगठन को पता है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। खबर कन्नौज से है, जहां निकाय चुनाव की जंग लगातार जारी है। प्रत्याशियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। इसके साथ ही चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद प्रत्याशी अब डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। वहीं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद निर्दलीय प्रत्याशी राजीव दुबे को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद वो घर घर जाकर जोरों शोरों से प्रचार करते हुए दिखाई दिए। खबर शाहजहांपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शो मन की बात का ऐतिहासिक 100वां एपिसोड पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी के मन की बात सुनने के लिए शाहजहांपुर में 600 सेंटर्स बनाए गए थे, जहां स्थानीय लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधि और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना भी शामिल हुए। आपको बता दें कि कल राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार ने लोगों से प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात में शामिल होने की भी अपील की थी। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव काफी करीब है और सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी गली मोहल्ले में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 52 में समाजवादी पार्टी के लगातार 2 बार जीत दर्ज करा चुके पप्पू पहलवान पर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। मैदान में पार्षद प्रत्याशी के रूप में उतारा है, और आज वार्ड नंबर 52 के मजबूत प्रत्याशी पप्पू पहलवान ने क्षेत्र में तूफानी जनसंपर्क भी किया है। क्षेत्रीय लोगों ने पप्पू पहलवान का पुष्प माला और पुष्प वर्षा करते हुए सम्मान किया है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल गुड बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच में आकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पप्पू पहलवान, जो प्रत्याशी हैं, तूफानी जनसंपर्क कर रहे हैं हमारे साथ हैं। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ा जनसैलाब इनके साथ में है और बड़ी संख्या में लोग इनको समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये 2 बार के लगातार इस क्षेत्र से पार्षद बन चुके हैं और इस बार तीसरी बार पार्टी ने मौका दिया है। हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। 2 बार लगातार आप जीत दर्ज करा चुके हैं, इस बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया, क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में? मैं वार्ड नंबर 52 से समाजवादी पार्टी के लिए तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। वार्ड नंबर मंतोला 52 से मेरे संग जनता का पूरा सहयोग है और जनता मेरे साथ है। बात है विकास की, इस जनता के साथ आप जो जन सैलाब देख रहे हैं, ये मेरा वोटर है और इन वोटरों से मैं 2 बार पार्षद बना और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं तीसरी बार भी पार्षद बनाएंगी। जय जनता मेरी पार्षद। और बात विकास की है, इस मंटोला क्षेत्र के अंदर हमने काफ़ी विकास कराया। जब पहली बार वार्ड नंबर 56 से हम पार्षद थे और हमारे हाजी बिलाल कुरैशी भी पार्षद थे वार्ड नंबर 44 से, तो हमने काफ़ी विकास कराया। 2-3 करोड़ रुपए के काम कराए हमने। जब 2-3 करोड़ रुपए के काम कराए तो उसके बाद फिर जनता ने हमें दूसरा से चुना। तो आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है और दूध पे मलाई जमा रही है, फिर भी हमने अपने क्षेत्र में फिर भी हम काम करते रहे, फिर भी हम विकास कराते रहे। और जो कुछ कमी रह गई है तो इंशाल्लाह हम जीतने के बाद 13 तारीख के बाद हम फिर विकास, फिर लहर विकास की लहर पर चलाएंगे।
लगातार आप दो बार से यहाँ से जीत दर्ज करा चुके हैं, इस बार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या ऐसी समस्याएं हैं जो रह गई हैं उनको जीतने के बाद आप पूरा करेंगे, और शहर की जनता को और क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देंगे? कुछ लोग गलियां हैं, कुछ क्षेत्र की गलियां रह गई हैं, कुछ सीवर का मसला है, सीवर मामला है, और नाले की सफाई है, और नाले की सफाई तो हमने 10 साल से बराबर मशीन यहाँ लगी रही है, और नाले की 24 घंटे, ये नाला हमारा मंटोला क्षेत्र का नाला बहुत बड़ा नाला है, इसमें सबसे बड़ी समस्या रहती है। तुम्हारे गोकलपुरा नायकी मंडी उधर से कूड़ा बहता हुआ आता है, तो यहाँ पर मुस्लिम क्षेत्र और जो बाल्मीकि समाज मोहर समाज हमारे रहते हैं, तो हमारा क्षेत्र में 5-5 फुट 6-6 फुट पानी भर जाता है इसी नाले के अंदर, और हम इस बराबर 10 साल से यहाँ पर नाला मंटोले की बराबर सफाई कराते चला रहे हैं, और अभी हमने सफाई के लिए मशीन लगा दी है, माननीय नगर आयुक्त से कहकर भी मशीन लग गई है, सफाई चालू है, और मैं जनता से अपील करता हूं, तो जनता चुनकर ये 13 तारीख 7-4 तारीख 14 नंबर बटन साइकिल पर विजय बनाएंगे, और इंशाल्लाह ये उम्मीद अपने भरोसा है अपने नौजवान साथियों पे और मेरे बुजुर्गों पे, ये मेरे संग कांधे से कांधा लगा के खड़े हुए हैं, और मैं भी इनके साथ तन मन से खड़ा हुआ हूँ, आधी रात को हम आवाज देंगे तो इनका बेटा इनके साथ हाजिर है। देखा आपने पप्पू पार्षद का साफ तौर से कहना है कि जनता ने दो बार भरोसा जताया है, और इस बार भी पार्टी ने भरोसा जताया है, इस बार जनता की जो जन समस्याएं हैं जो रह गई हैं उनको जीतने के बाद सदन में पूरा कराएंगे। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा। औरैया में क्षेत्राधिकारी बिधुना महेंद्र प्रताप सिंह और थाना अध्यक्ष जीवा राम ने पुलिस बल के साथ कस्बे में ढोल नगाड़े बजवाकर बॉबी के जिला बदर होने की मुनादी कराई और चेतावनी दी है कि अगर बॉबी, जो कि एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसे जिलाधिकारी औरैया द्वारा 6 महीने के जिला बदर घोषित किया गया है, यदि गाँव का कोई व्यक्ति उसे आश्रय देता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और इस समय अवधि के दौरान बॉबी जेल की सीमा के अंदर आता है तो उसकी सीमा पुलिस को दे, वही सूचना देने वालों का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। बाराबंकी में पंचायत भवन मरकामाऊ में टीवी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड मन की बात को काफी लोगों ने सुना। वह प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एपिसोड मन की बात एक पर्व बन गया है, ये कार्यक्रम आप सभी से मुझे जोड़े रखता है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके विचार, आपकी सोच से वाकिफ हो सकूं और आपके संदेश मेरे तक पहुंचते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह बहराइच पहुंचे, वहां नेता ने रेसलर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। रेसलर और भाजपा सांसद बिजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अब दिल्ली पुलिस क्या करती है, बाकी मामलों में तो वो शेर बन जाते हैं। पीएम के सामने आकर रेसलर के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए और प्रधानमंत्री मुंह छुपाकर गुफा में नहीं छुप सकते हैं, उनको सामने से आकर जवाब देना ही चाहिए। वही उनकी पार्टी के सांसद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और देश के तमाम प्रतिष्ठित खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ भी एक मामला है। भैया अगर इसकी खोज में अगर आप लग जाएंगे, हमारे देश के फकीर प्रधानमंत्री का घर 1300 करोड़ रुपए में बन रहा है, 90 करोड़ रुपए उनके घर के रिनोवेशन में खर्चा हुआ, दिल्ली के लॉर्ड साहब के घर की मरम्मत 15 करोड़ में हुई, सीएम का अपना कोई उनके नाम पे रजिस्ट्री हुआ आवास नहीं है, 3 उनके घर पे घटनाएं हुई, उनके माता पिता का कमरा उसका छत गिरा, 80 साल पुराना घर था, PWD वालों ने तोड़ के बनाया, उनके नाम पे रजिस्ट्री थोड़ी हुई है उस घर की। दूसरी बात यह है कि आज अगर मुद्दा बनाना चाहता है, मीडिया इस पर चलाना चाहता है खबर, तो दिखाइए ना प्रधानमंत्री जी कितने का सूट पहनते हैं, कितने का चश्मा पहनते हैं, कितने के कलम इस्तेमाल करते हैं। 8,000 करोड़ रुपए का, 8,500 करोड़ रुपए का जहाज, निजी जहाज प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए खरीदा, कोई उस पर सवाल नहीं करता। तो दरअसल मुद्दा क्या है कि असली मुद्दों से ध्यान हटाना है। पूरा देश अडानी के नाम पर नीलाम कर दिया, JPC की हम लोग मांग कर रहे हैं, वो कभी मुद्दा बनता नहीं है, अब कोई ना कोई नया नया मुद्दा रोज।
तो वहीं भाजपा सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बहराइच दौरे पर रहे। विधायकों और अन्य पदाधिकारियों ने उनका जमकर स्वागत भी किया। वहां ब्रजेश पाठक ने नगर पालिका मैदान में एक जनसभा को संबोधित भी किया है। वहीं जनसभा में डिप्टी सीएम ने सपा और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पहले सिर्फ इटावा और सैफई में 24 घंटे ही बिजली मिलती थी, अब हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के केंद्र और प्रदेश में जब से सरकार आई है तब से विकास की गति काफी बढ़ गई है। इस दौरान आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में लाइन ऑर्डर को और मजबूत करेगी। हर स्थिति में एक एक अपराधी को अदालत के माध्यम से हम कड़ी से कड़ी सजा दिला रहे हैं। हम पैरवी कर रहे हैं। पहले इन्हीं अपराधियों के समर्थन में अभियोजन के लोग, पुलिस के लोग समय से चार्जशीट नहीं लगाते थे। हम एक एक अपराधी को कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराते हैं। देखिए, खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस ने ऑनलाइन सामान के बदले सामान देकर ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों पकड़े गए आरोपी डिलीवरी बॉय बनकर ऐसे घरों की पहचान करते थे जहां सामान पहुंचाया जाना होता था, वहां खाली डिब्बे देकर पैसे लेकर निकल जाते थे। वही पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिर तंत्र सूचना के आधार पर दोनों को ही गिरफ्तार किया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गई। इसमें सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन तथा अन्य मुखबिर की सूचना के आधार पर दो युवकों को हिरासत में लिया गया। इसमें पूछताछ में ये इन्होंने कबूला स्वीकारा कि इनके द्वारा ही फर्जी डिलीवरी बॉय बन निकाय चुनाव का महासंग्राम अपनी चरम सीमा की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल हो या निर्दलीय प्रत्याशी, चुनावी मैदान में अपने दमखम दिखाने के साथ ही जनसंपर्क करते हुए डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रत्याशी चुनाव जीतने का दावा भी कर रहे हैं, जबकि नगर पालिका परिषद छिबरामऊ में भी प्रत्याशियों ने जनसंपर्क में तेजी दिखाई है। नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी सुभाना रफी ने कई लोगों के साथ जनसंपर्क किया है। महिला समर्थकों के साथ नगर में डोर टू डोर वोट मांगती हुई भी दिखाई दी, जबकि प्रत्याशी सुभाना रफी ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आज बहुत अच्छा लगा जनसंपर्क करके। काफी महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हमारे साथ हिस्सा भी लिया और बड़ा हमें हमारा स्वागत करा, ये कहिए। और कुछ महिलाओं ने, जिनको बिचारियों को अभी भी नहीं पता, वो ये समझती हैं कि सुभाना रफी आई हैं तो ये कुछ काम करा देंगी पहले की तरह, तो उन लोग ने हमसे शिकायतें भी करी कि भाभी देखो नाली नहीं साफ होती, भाभी देखो नल हमारे यहाँ हैंडपम्प ठीक करा दो, पानी की दिक्कत है, गर्मियाँ आ रही हैं, क्या करेंगे। तो खैर, हमने उनसे कह तो दिया है कि हम भाई ईओ साहब से बात कर सकते हैं, अभी तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, बल्कि किसी भी कैंडिडेट, सब कैंडिडेट हैं, कोई कुछ नहीं अभी करा सकता है, बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोग एक एप्लीकेशन दे दीजिए ईओ साहब को जाके, और हमारा कहना होगा तो हम कह तो सकते हैं। चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि लखनऊ से चोरी की एक नई घटना सामने आई है। थाना वजीरगंज क्षेत्र में हुई लूट की घटना का डीसीपी वेस्ट की टीम ने 36 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है। लूट की घटना को अंजाम देने वाला अमेजोन का डिलीवरी बॉय के साथ ही दो साथियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लुटेरों के पास से कीमती सामान भी बरामद किया गया है। जी, इसमें जो बरामदगी हुई है, एक तो स्कूटी जो उसकी लूटी गई थी, स्कूटी उसकी बरामद हुई है वादी की, दूसरा उसके स्कूटी में रखा हुआ बैग वो भी मिला है। जो बैग इन्होंने देखा उसमें 1000 रुपये थे, वो भी रुपए बरामद हुए हैं, और प्लस अभियुक्तों के पास से जो है जो मोबाइल फ़ोन थे, ये सारे मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। सर इसमें रेकी भी की गई थी? कितने? बिल्कुल रेकी की गई थी, क्योंकि जो अभिनव शुक्ला है वो इनके नौकरों के कहीं ना कहीं संपर्क में था, और उनके माध्यम से वादी की जो है प्रतिदिन की गतिविधियों को पता कर रहा था, और डेली कब निकलते हैं और क्या इनके पास रहता है, इस तरह से करके इनके सारी चीजों की रेकी कर रहे थे। ये और शुभम जो है दोनों ही रेकी किए थे।
यूपी में हो रही बेमौसम बारिश और निकाय चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली के सलोन तहसील क्षेत्र स्थित परसदेपुर पहुंची हैं। वही जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री के 100वें मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने पीएम के नारी सशक्तिकरण वाले बयान पर खुशी जताई और पीएम के मन की बात कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया है। के बच्चों को पढ़ा इतना खुश हुआ उसको आंखों देखा हाल सुनाया जा रहा था। फतेहगढ़ जेल से इसने अपने इनको फैजाबाद के विधायक अभय सिंह को फोन मिला लिया, कहा ठाकुर अरे मुन्नावा ने मार दिया कृष्णा नरावा को, ओकर चुटैया भी काट लिया और वो हमारे एसटीएफ के लागम में लाख हो गया। क्या लग रहा है मतलब तब जो उनको संरक्षण मिला था इसलिए और उनका आतंक बढ़ता चला गया था? बिल्कुल संरक्षण मिला, अधिकारी नहीं, कुछ काम नहीं कर पा रहे थे ऐसा था अधिकारी। निज संवाद अपनी जनता से मन की बात का ये कार्यक्रम अपने आप में एक अनोखा इतिहास बना चुका है। आज मन की बात का 100वां अंक हम सबने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में साधारण गरीब परिवार की महिलाओं के साथ मिला, मेरे लिए मोबाइल करो जिसमें हम अपने सेवक को उन नागरिकों के साथ संवाद कर देख रहे हैं। इतना खुश हुआ। सुल्तानपुर में आगामी 11 मई को नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए होने वाले चुनाव को लेकर अब प्रचार जोर पकड़ने लगा है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं और प्रत्याशी और उनके समर्थक वोटरों से अपने अपने पक्ष में मतदान करने की भी अपील लगातार कर रहे हैं। प्रत्येक प्रत्याशी अपने वार्ड और क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ बनाने का नारा दे रहा है, जबकि कई प्रत्याशियों ने तो इसके लिए बाकायदा अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इसमें वार्ड की साफ सफाई, बिजली, पानी व्यवस्था और सड़क निर्माण के साथ साथ वीआईपी शहरों के तर्ज पर बनाने का दावा भी किया गया है। हम लोग जो मुद्दा लेके आ रहे हैं भैया वो ग्राम नगर सबके लिए प्रॉब्लम है। जो नौ मुद्दे हम लोग लेके आ रहे हैं, नौ मुद्दे जो हैं वो धरातल से जुड़े हुए हैं और टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड हैं। तो जैसे हम एक पहला एग्जाम्पल देते हैं हमारे किसान भाइयों का। किसान भाई अभी भी क्या कर रहे हैं, उनके पास प्रॉब्लम क्या है और वो क्या काम करते हैं, उनको कहां कहां से और भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निदान कर रहे हैं। पहला तो यही समझिए कि जो बेड़ा लगा हुआ है, पहले 15-20 साल पहले हमारे पास बेड़ा नहीं हुआ करता था, उन बेड़े को समाधान देना है। पहले जो पशुपालन है लेकिन उनका संचालन सही से नहीं हो रहा है, तो वो अगर संचालन सही से होगा तो ये बेड़े की समस्या खत्म हो जाएगी। लम्बुआ नगर पंचायत नई नगर पंचायत है, अभी तक यहाँ प्रधान थे, अब ये नगर पंचायत है। अध्यक्ष का चुनाव आज हो रहा है। रही बात समस्या की, तो अब यहाँ जो विकास संबंधित समस्याएं हैं, जो भी नाली अगर नहीं है, सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है। हम उस दिशा में काम करेंगे कि लम्बुआ का वातावरण, लभुआ स्वयं में एकदम स्वच्छ हो और शुद्ध पानी, पीने का पानी हो और चलने के लिए बढ़िया सड़क हो, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। लभुआ के विधानसभा के जो है नेता भी हैं, प्रत्याशी भी हैं, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरह जनता को आप लुभाने का काम करेंगे और क्या आपकी समस्या है, क्या अपील को लेकर आप चलेंगे। सबसे पहले आप ये बताइएगा, आप काफी चर्चा विषय रहा लंबा बाजार में, किस मुद्दे को लेकर आप मैदान में उतरे हैं और जनता को क्या सहयोग करेंगे, जनता की अपील क्या लेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके कैमरे की निगाह नगर पंचायत लभुआ में एक समाज सेवी के ऊपर पड़ी, इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। देखिए यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो जल निकासी का है। आपको बरसात अगर होती है तो आप भी अपनी आंखों से देखिएगा, अगर आधे घंटे पानी यहाँ बरस जाए तो पूरा लभुआ बाजार जाम हो जाती है पानी से। और यहीं पर एक राइन बस्ती है, उस राइन बस्ती में जल निकासी की समस्या बहुत दिनों से लगातार अभी तक आ रही है। मैं उस दिन गया था तो पानी सड़ रहा था, ऐसे में भयानक बीमारी होने का भी खतरा है। यही सब हमारी जो सबकी समस्या है, वही मेरा मुद्दा है। अच्छा ये बताइए, आप चुनाव में क्या पहली बार मैदान उतरे हैं? अगर पहली बार उतरे हैं
क्या क्या मुद्दे को लेकर आप चलेंगे आगे? देखिए, ये मेरा पहला चुनाव है और यह चुनाव यहाँ की जनता मुझको लड़वा रही है। मैं लड़ नहीं रहा था, यहाँ के लोगों ने मुझको आगे बढ़ाया और कहा कि अगर आप लड़ेंगे तभी यहाँ का विकास होगा। नई नगर पंचायत है, हर घर को लाभ मिलेगा, हर वर्ग को लाभ मिलेगा। जात पात से ऊपर उठकर कार्य करने की आप ऊपर मादा है, ये आप ही कर सकते हो। यहाँ के लगभग टोटल मतदाता वोटर कितने होंगे? यहाँ पर लगभग 18,500 कुछ मतदाता हैं सब वर्ग मिला करके। जिस तरह इन्होंने बताया है, हम जनता के बीच में चुनाव लेकर पहली बात तो उतरे हैं जरूर है, लेकिन जनता हमको बहुत अच्छे ढंग से चाहते हुए प्यार भी करते हैं। हम इसी से कड़ी में अगर बात करते हुए चलें, इनका ये भी चर्चा का विषय उठा था लॉकडाउन के दौरान, जो है इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद किया था, इलाज भी करवाया था। आज उसी मुद्दों को लेकर सब लोग जो है यहाँ पर इनको चुनाव मैदान में उतारे हैं, उसी की नज़रिए को देखते हुए जनता को लुभाने के लिए ये आगे चुनाव जीत हासिल करने में और भी काम कार करते रहेंगे। सुल्तानपुर से प्राइम टीवी के लिए आशुतोष श्रीवास्तव। पीलीभीत में दो दिन पूर्व पैटर्न पुल से बाइक फिसल जाने से दो युवक नदी में गिर गए थे। वहीं मांझी ने अपनी जान पर खेलकर दोनों युवकों की जान बचाई। ये देखते हुए भीम आर्मी की टीम ने बबलू मांझी और उनके सहयोगी हरि बाबू जी को थाना हजारा पर पहुंचकर सम्मानित किया है, जिसमें भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष सुभाष गौतम, जिला कोषाध्यक्ष भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो पीलीभीत में नदी में गिरे दो युवकों को मांझी ने अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई थी, जिनको आज थाने में सम्मानित किया गया है। निकाय चुनाव 2023 का महासंग्राम अपनी चरम सीमा की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल हो या निर्दलीय उम्मीदवार, चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाते हुए डोर टू डोर वोट मांगने का भी काम कर रहे हैं। 2012 से 2017 तक अध्यक्ष पद पर रहते हुए खूब जनता की सेवा भी की है। वहीं नाली, खड़ंजा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुचारू रूप से पेयजल की व्यवस्था कराई गई थी। 2023 के निकाय चुनाव के लिए एक बार फिर से पूरे दमखम के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। वही प्रत्याशी चुनाव जीतने का दावा भी कर रहे हैं। मेरा नाम जमाल अख्तर, पूर्व चेयरमैन परसदेपुर। मैं 2012 से 17 तक चेयरमैन रहा हूं और जब से नगर पंचायत बनी है, उसके पहले हमारे पिताजी यहां से प्रधान हुआ करते थे और जब से नगर पंचायत बनी है तब से मैं चुनाव में भागीदारी लेता हूं। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारे पास तो सीधा मुद्दा है विकास, नंबर एक पर विकास, जो मैंने किया है 5 साल में। और दूसरा है कि उपलब्ध रहना, 24 घंटे हम उपलब्ध रहते हैं जनता के बीच में। सिद्धार्थनगर के चिल्हिया थाना क्षेत्र में हुई गैंगरेप की घटना का एसओजी सर्विलांस और पुलिस की संयुक्त टीम ने खुलासा करने में सफलता हासिल की है। बता दें, कुछ ग्रामीण ने एक युवती को आपत्तिजनक हालत में गांव से कुछ दूरी पर खेत में देखा था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। वहीं मौके पर थाना क्षेत्र के पुलिस और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद घटना स्थल पर पहुंचे और एक एक बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच की है। इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और दौरान उन्होंने बताया कि गैंगरेप के दो आरोपी पकड़े गए हैं। एक आरोपी पीड़िता का जीजा है तो दूसरा व्यक्ति उसी गांव का निवासी है। पुलिसिया पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। चिलिया से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती बीओसी की हालत में अपने गांव के बाहर अर्धनग्न अवस्था में है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई, युवती को हॉस्पिटल ले गई, जहां से उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जहाँ पे युवती का भी इलाज चल रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण से ये स्पष्ट था कि ये प्रथम दृष्टया सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, इसमें युवती के साथ कुछ अनहोनी हुई है। इसमें तुरंत टीमों को लगाया गया, परिवार के द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।
सिद्धार्थनगर जनपद के इटवा विधानसभा क्षेत्र के नव सृजित आदर्श नगर पंचायत बिस्कोहर में पहली बार 23,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और नगर पंचायत के विकास की नई इबादत भी लिखेंगे। बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी दिन रात क्षेत्र में चलकर जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क कर अपनी उपलब्धियां बताते हुए दिखाई दिए। वही वोट देकर भारी मतों से विजय दिलाने की भी लगातार प्रत्याशी जनता से अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिस्कोहर नगर पंचायत से निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा लगातार जनसंपर्क कर जनता के बीच में जाकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए नजर आए। चुनाव हम लोग फाइट कर रहे हैं, दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते होंगे, जो क्षेत्र में है वो सब जानते हैं। जो जैसा हम लोग काम किया है वैसा हमको काम भी मिल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, किसी एकदम नहीं कि हमारा चुनाव हमको रोक ले। तो क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? जो मुद्दा लेकर हम जा रहे हैं, जो किए हैं चुनाव पहले वही काम अभी भी करेंगे जीतने के बाद, कोई इसमें परिवर्तन नहीं है कि कहते जीतने के बाद हम जहाज उड़वाएंगे। हम मौजूद हैं बिस्कोहर नगर पंचायत में, यहाँ पर नगर निकाय चुनाव को लेकर के लगातार पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने लोगों के बीच में जा करके अपनी उपलब्धियाँ गिना रहे हैं। ऐसे में बिस्कोहर नगर पंचायत से निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा आज हमारे बीच में मौजूद हैं। आज नगर निकाय चुनाव को लेकर के इनसे हम बात करेंगे, अब तक इनके द्वारा क्या कुछ जनता के लिए किया गया और निर्दल रूप में अगर लड़ रहे हैं तो जनता का किस प्रकार से ये सहयोग पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता का कैसे समर्थन मिल रहा है? समर्थन हमको बहुत अच्छा मिल रहा है, जो हम काम किए उस हिसाब से हमको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। समर्थन में कोई तो नहीं है, क्योंकि हम शुरू से ही लगे रहेंगे कि जनता का सेवा करना हमारा कर्म था, शुरू हम लोग लगाए थे कि जनता का सेवा करना है और जी जान से पूरा टीम हमारा लगा था। हमारी पूरे टीम के साथ हम लोग तप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं, कौन बीमार है, किसको अस्पताल जाना है, किस बच्चे की स्कूल जाना है, किसको इलाज की ज़रूरत है, किसको दवा की, किसको खाने की, जो भी ज़रूरत है, मंत्री का काम हो, चाहे स्कूलों का काम हो, चाहे सीजी का काम हो, बच्चा पास हो, उसको हम साइकिल वितरण किए, गरीब बच्चों का विवाह भी करवाए हम, तो हम शुरू से लगातार अपना सब चला रहे थे। उस हिसाब से हम काम किए क्षेत्र में, अब क्षेत्र में देखिए हमारा लाभ तो मोदी से लाभ से आगे भी चल रहा है, आप लोग पता कर लीजिए। चुनाव हम जीत रहे हैं, जीतेंगे। 13 तारीख को हम लोग आप लोगों को मिठाई भी खिलाएंगे, कोई रोक नहीं सकता, पूरा ताकत झोंक दे, कोई हमको कोई परवाह नहीं पड़ता, हमको और खुशी है, जो जितना दम हो ताकत है लगाओ अपना, हमारा ताकत देखे 13 तारीख को पोलिंग में। हम लोग पहले से बता दिए कि 14 तारीख को हमारा भंडारा है, जीतने का भंडारा है, 22 गाँव भोजन करें, आशीर्वाद दें। आपने देखा हमारे साथ बिस्कोहर नगर पंचायत से निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा जी बात कर रहे थे और इनका मानना है कि जनता इनको चुनाव लड़ा रही है और भारी बहुमत से इन्हें जीत भी दिलाएगी। बताते चलें कि राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा द्वारा जनता को लेकर के कई कार्य जमीनी स्तर पर किए गए, गरीब बेटियों की शादी हो या बच्चों की पढ़ाई से संबंधित उनका उत्साहवर्धन हो, साइकिल वितरण या फिर खेल को बढ़ावा देना हो, ये सारी चीज़ें LED TV का वितरण बच्चों को पढ़ाई को लेकर के करने वाला अगर किया गया तो बाबा जी द्वारा ये सब काम पहले ही किया गया था और इनका कहना है कि अगर जनता इन्हें जीत दिलाती है तो बिस्कोहर नगर पंचायत की जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वह उन्हें पूरा करेंगे, क्योंकि बिना कुछ पद पाए ये इतना कुछ काम पहले ही किए तो कह रहे पद मिलेगा तो ऐसे में बिस्कोहर नगर पंचायत का जो विकास होगा अपने में वो विकास की एक नई इबादत लिखेगा। सिद्धार्थनगर से प्राइम टीवी के लिए रवि प्रकाश पांडे। तो वहीं सरकारी योजनाओं की जांच के लिए प्राइम टीवी की टीम औरैया के अरवा कटरा पहुंची। वहां पहुंचकर टीम ने लोगों से बातचीत की और बातचीत में विकास खंड के अधिकारियों की लोगों ने कैमरे के सामने पोल खोल दी है। बता दें कि पंचायत सहायक मिनी सचिवालय में पीड़ित लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ तक नहीं मिल पा रहा और वहीं पंचायत में मिनी सचिवालय में जब से नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है तब से कोई भी अधिकारी दफ्तर तक नहीं आते और बिना दफ्तर आए सैलरी पूरी पाते हैं। आखिर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कब की जाएगी, ये बड़ा सवाल है।
आज हम पहुंचे हैं अरवा कटरा विकास खंड के नंगला बैस गांव में, जहां एक पंचायत घर आपके सामने बना हुआ है, लेकिन यहां अभी लगभग टाइम हुआ है 3:30, लेकिन ताला अभी आप देख सकते हो ताला लगा हुआ है। हमारे पास यहां काफ़ी बड़ी संख्या में जनता भी एकत्रित है, आइए जानते हैं जनता से कि ये क्यों नहीं खोला जाता, और जबकि सरकार की योजना मिनी सचिवालय करके एक योजना है जिसमें जो बुजुर्ग नौजवान सभी के यहाँ पे जो ब्लॉक में भटकना ना पड़े, आपको यहीं पे सुविधा मिलेगी, लेकिन यहाँ कभी जो जनता बता रही है कि यहाँ पे कभी नहीं खुला जाता। आइए जनता जानते हैं क्या बात है। भैया क्या नाम है आपका? रतिराम। रतिराम कहाँ के निवासी हो? नंगला बैस। ये क्या है आपके यहाँ जो अभी ताला लगा हुआ है? ये खुलता ही नहीं है। क्या है क्या इसमें? पंचायत घर। पंचायत घर है। और यहाँ जो मिनी सचिवालय है, क्या कोई बैठता है? किसकी नियुक्ति है? कोई नहीं बैठता इधर। किसकी नियुक्ति है यहाँ पे? अरे बेल जाली की है कोई लड़की। अभी जब से नियुक्ति हुई अभी तक आई कि नहीं आई? एक बार आई थी परसों, बस फिर नहीं आई। नहीं, और उससे पहले भी मैंने देखा ही नहीं उन लोगों को। अच्छे जानते प्रधान जी, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। प्रधान जी ये बताएं, यहाँ पे जो आपके द्वारा जो योजना यहाँ पे सरकार के द्वारा आई है, जैसे यहाँ मिनी सचिवालय है, तो यहाँ पे अभी पता चलता है कि कोई जो मिनी सचिवालय नियुक्ति है वो कभी नहीं आती, क्या है ऐसा? यार आने के लिए साहब उनको बोला है। हाँ। तो अभी बाहर स्मार्ट कार्ड बना रहे थे, तो स्मार्ट कार्ड अभी ये परसों अभी आए थे। नहीं, स्मार्ट कार्ड के लिए अभी आपने एक से बात की, तो उनके भाई स्मार्ट कार्ड गाँव में बना रहे हैं। उनके भाई ने बनाया, तो नियुक्ति उनकी है, तो इनके भाई कैसे बना रहे? तो उनको बोला है, आप लोग जो कहेंगे वो बैठेंगे। हम तो मैंने तो उनको बोला है आप बैठिए। तो कितने पहले से यहाँ नियुक्ति है? मैंने एक दो बार उनको बोल दिया है। कब से नियुक्ति हुई है लगभग इनकी? हो गए 6-7 महीने। सात महीने में दो बार आई है? दो तीन बार आई है। तीन बार। भैया क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। कहाँ के निवासी हो? नंगला बैस। विकास खंड। अच्छा, ये जो यहाँ मिनी सचिवालय बना हुआ है, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या काफी है, ये खुलता नहीं है, कोई बैठता नहीं है। कोई नहीं बैठता। नियुक्ति किसकी है यहाँ पे? ये सालनी है, कोई बेल जाली की। सालनी है। तो अभी तक आती नहीं क्या? अभी तक नहीं आई, परसों आई थी। तो आपने किसी से कहा अभी तक इस बारे में? नहीं, हमने तो नहीं कहा किसी से। तो यहाँ जैसे मिनी सचिवालय से जैसे यहाँ पे जो योजनाएं आती है वो आपको गाँव कैसे पता चलता है? अब पता ही नहीं चलता, कोई बैठता नहीं। अगर बैठे तो पता चले यार, जानकारी हो तो कोई काम होता है तो हर बार जाना पड़ता है। अगर यहाँ खोले तो सब यही काम हो जाए, तो अरवाने का नहीं पड़ेगा। तो 6 महीने में तैयारी कर पाई है इसकी। क्या नाम भैया आपका? आदित्य। यहाँ जो ये मिनी सचिवालय और पंचायत घर है, ये कब से बंद रहता? ये तो मैंने देखा ही नहीं, खुलता ही नहीं है। खुलती नहीं। यहाँ मिनी सचिवालय में सचिव कौन है? जो मिनी सचिव बनाए गए हैं कौन है? बेल जाली की लड़की है। तो क्या यहाँ वो कभी आई है, क्या आपने देखा? नहीं है। तो अभी भी ताला बंद है, तो किसी ने अभी तक आपने किसी से कहा नहीं इस बारे में? जी नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।